सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। आप बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी गेस्ट 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 ऑफ द वीक को देख के अच्छा लगा और एक होप भी जगी हाँ कि लिफाफे आए होंगे सबके लिए। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया, वाह ये बढ़िया बात। सिद्धार्थ जी मतलब कहाँ थे आप इतनी देर, मतलब क्या, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। अनिल जी लाए तो हैं लेकिन खाली है अंदर। नहीं अनिल जी, आज मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। जैसे देश का प्रधानमंत्री जब बनता है तो कैसे स्टार्ट में सबसे पहले शपथ ली जाती है, घोषणा की जाती है, तो मैं सुमित बगड़िया देश के सबसे बड़े चैनल जी बिजनेस स्टूडियो से आज ये घोषणा करता हूँ, अनाउंस करता हूँ कि जिस भी दिन हम जर्मनी चलेंगे मेरी तरफ से 101 टका सबको लिफाफा मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। ओके, मतलब बाकी सुमित जी और सिद्धार्थ जी का ये आपस में जाने, हम सब लोगों के लिए संदेश ये कि हम जानते नहीं है कुछ नहीं मिला। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी इस हफ्ते की थीम। बिल्कुल अनिल जी, आज इस हफ्ते की जो थीम है वो है फेस्टिव फीस्ट। त्योहार चालू हो गए, गणपति विसर्जन अब 2 दिनों में है, अब आने वाले समय में नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और बहुत सारे त्योहार है हमारे सामने। तो इस हफ्ते का जो थीम है वो है फेस्टिव फीस्ट। बिगेस्ट शॉपिंग स्प्री स्टार्ट होने वाली है, 90,000 करोड़ की फेस्टिव सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, 18-20% का YOY जंप हम उम्मीद कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। इस अगस्त से लेके नवंबर तक का जो टाइम रहेगा, नवंबर दिसंबर तक का, ये मेन कंजम्पशन का थीम रहेगा, बूस्ट होगा कंजम्पशन। इंडिया का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एकदम चरण सीमा पे होगा, रोबस्ट 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल जो खर्च होगी वो फेस्टिव में जाने वाली है। शॉपिंग एडवर्टीजमेंट बहुत जोरों से आगे बढ़ेगी और एडवर्टीजमेंट का जो ग्रोथ है वो 15-20% बढ़ेगा। ओवरऑल ऑटो सेल्स, बाकी कंजम्पशन, कपड़े इत्यादि इत्यादि, शूज, सभी जगह पे आपको कंजम्पशन दिखने वाला है। तो इस बार फेस्टिव फीस्ट लेके आया हूं, फेस्टिवल को लेके, त्योहारों को लेके, त्योहारों का उपहार। Okay, तो ये है आपके लिए फेस्टिव फीस्ट। ये है थीम जिस पर सिद्धार्थ जी ने कुछ स्टॉक्स चुने और बुने हैं। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज की आपकी थीम में फिट। बिल्कुल अनिल जी, 4 कंपनियां लेके आया हूं फेस्टिव फीस्ट में, इक्वली आपको डिवाइड करना है। पहली कंपनी होगी, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल की बात की, पहली कंपनी होगी टाटा मोटर्स। टारगेट 695 का, टाटा मोटर्स पे 695 का। रिसेंटली नई फेसलिफ्ट नेक्सॉन लॉन्च की है, बहुत ही क्लास डिजाइन लॉन्च की है, इसका कंजम्पशन, प्रीमियम कार जो इनकी हैरियर सफारी, इसका कंजम्पशन बढ़ सकता है। जैगवर लैंड रोवर का बूस्ट हो सकता है, क्योंकि जब जब चाइना स्टिमुलस पैकेज देगा जैगवर लैंड रोवर पे अच्छी सेल्स आ सकती है। डोमेस्टिक सीवी 40% का मार्केट शेयर है, एसयूवी सेगमेंट वन ऑफ द लीडर है और ईवी स्पेस में, पैसेंजर व्हीकल के ईवी स्पेस में लीडर है, 85% का मार्केट शेयर। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में डेट फ्री होने की योजना है टाटा मोटर्स। दूसरी कंपनी, जब आप शोरूम्स में जाएंगे टीवी खरीदने, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वॉशिंग मशीन, ये सब जो कंजम्पशन होगा आपको फाइनेंस देगा कौन, बजाज फाइनेंस। टारगेट 9650, ये प्रॉक्सी टू कंजम्पशन प्ले है। बजाज फाइनेंस फंड रेजिंग करने वाली है, उसकी मीटिंग 5th of October को है। AUM ग्रोथ जो इस साल में उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट 29-31% का। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटो फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे जो नए प्रोडक्ट इसी साल में लॉन्च होने वाले हैं जो बड़े रेवेन्यूज ला सकते हैं। डिलीवरी करेगी 25% का ग्रोथ और 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ नए कस्टमर ऐड करने की योजना है बजाज फाइनेंस द्वारा। तीसरी कंपनी होगी टाइटन। जब हम जो दिवाली की बात करते हैं, फेस्टिव सीजन की बात करते हैं, शादी ब्याह की बात करते हैं, तो टाइटन को कैसे भूल सकते हैं। 3450 का टारगेट होगा। डिमांड गोल्ड ज्वेलरी का बढ़ सकता है 20% से। जोया, तनिष्क, इनके ए क्लास ब्रांड्स है।
साथ ही साथ वेडिंग सीजन में बहुत अच्छा बंप अप आ सकता है, दिवाली में बूस्ट आ सकता है, और हम मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये अपना और बढ़ा रही है, स्टोर एक्सपेंशन कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो तीसरी कंपनी फेस्टिव फीस्ट में होगी टाइटन, चौथी कंपनी होगी रेडिको खेतान, टारगेट 1420 का। सभी एंजॉय करते हैं फेस्टिव सीजन में, और फेस्टिव सीजन में एंजॉयमेंट का और एक तरीका होता है पार्टी वगैरह, तो ये होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस। रेडिको खेतान प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में बहुत अच्छा जंप दिख रहा है, ड्राइव दिख रहा है फेस्टिव सीजन में, प्राइस में अप्रिसिएशन दिख रहे हैं, इनके ब्रांड्स में और भी इजाफा हो सकता है प्राइसेस में और रियलाइजेशंस में, 1.7 to 1.8% का प्राइसेस में इजाफा देख सकते हैं। तो अंतिम की कंपनी होगी रेडिको खेतान। ये चारों कंपनियां आपके लिए त्योहारों का उपहार है, 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से आप खरीद सकते हैं, कहीं आपको टारगेट प्राइस अगर शॉर्ट दिखता है तो इसका भी अपडेट जरूर आएगा आपके आपके पास। ओके, तो ये है आपके लिए ये फेस्टिव सीजन के लिहाज से चार बेहतरीन आइडिया, लेकिन क्योंकि आज सुमित जी ने डिसाइड ही किया हुआ है, सिद्धार्थ जी आपकी हर बात पे ऑब्जेक्शन लेंगे उन्होंने फिर से ले लिया, ये जो चौथी पिक है आपकी फेस्टिव सीजन में रेडिको खेतान, जो आपने कहा सब एंजॉय करते हैं, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिस इज नॉट फैक्ट, सब एंजॉय नहीं करते, सुमित जी करते हैं सब लोग, नहीं नहीं अनिल जी आपके और मेरे जैसे कितने लोग, हाँ हाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय नहीं करते, कुणाल जी भी हाथ खड़ा करे, कुणाल जी आप भी नहीं करते, नहीं अनिल जी, अरे रुकिए पहले ऑब्जेक्शन तो सारे ले लें एक साथ, अनिल जी मैं भी नहीं करता, और अनिल जी अनिल जी बंसल जी भी मुझे बता के गए कि वो भी नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड कुछ हाई है, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के उत्पादों का ही केवल एंजॉय करते हैं, रेडिको का नहीं करते हैं। जी सर, जी सिद्धार्थ जी अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह दे, हम मानेंगे नहीं। जी नहीं नहीं अनिल जी सब एंजॉय करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को यूज करके और कुछ शेयर को यूज करके, शेयर को खरीद के, एंजॉयमेंट तो सबकी होने वाली है। हाँ, बी स्पेसिफिक देन। ओके, मेरे ख्याल से रेडिको खेतान अमृतसर की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी पहले रहा है, काफी स्टॉक में अच्छा एक्शन हुआ। सर जरा आपकी भी राय दे। काफी दिन पहले रेकमेंड किया था पर लास्ट आई मीन इट हैड अचीव्ड द प्राइस टारगेट, उसके बाद मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया। ओके ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन फेस्टिव थीम वाले स्टॉक्स जहां पर रखनी है आपको नजर, एक्शन यहां पर आपको भरपूर आते हुए दिख सकता है। एक दो